around 15,000 delegates have been invited for this plenary session. कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन यानी AICC प्लेनरी सेशन में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों के मोर्चे का ऐलान किया जाएगा या फिर इस पर सहमति बन पाएगी? क्या AICC की बैठक में कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच समझौते या तालमेल पर कोई सहमति बनेगी? छत्तीसगढ़ के रायपुर में AICC प्लेनरी सेशन के पहले ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि इसी साल के अंत में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव 2024 होंगे। इन चुनावों के पहले बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस और दूसरे दलों के बीच तालमेल या मोर्चे की बात उठ सकती है। विपक्षी दलों की एकता और एकजुटता की बात तो चल रही है, लेकिन क्या यह बातचीत किसी ठोस और व्यवहारिक नतीजे में तब्दील होगी? लोगों की दिलचस्पी इसमें है। शुक्रवार को इस बैठक के शुरू होने के पहले एक बड़ी राजनीतिक घटना ये हुई कि कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया कि उसके बगैर किसी विपक्षी एकता की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रवक्ता जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस ने कभी बीजेपी के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया और ना ही करेगी। कांग्रेस को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए विपक्षी एकजुटता जरूरी है और कांग्रेस अपनी भूमिका निभाएगी। रमेश ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि भारत जोड़ो यात्रा का मूल मकसद विपक्षी एकता को मजबूत करना नहीं बल्कि कांग्रेस को मजबूत करना था। इसके जरिए विपक्षी एकता भी मजबूत हुई है, ये अलग मामला है। हम पहचानते हैं कि ऑपोजिशन की एकता जरूरी है, पर मैंने पहले भी कहा है, आपको कई बार कहा है कि विपक्ष की एकता के लिए भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाला गया था। विपक्ष की एकता एक परिणाम हो सकता है भारत जोड़ो यात्रा का, और इस पर विचार होगा प्लीनरी में। क्या रूप लेगा वो हम अभी नहीं कह सकते, पर जो नीतीश कुमार जी ने बयान दिया है हम उसका स्वागत करते हैं कि उन्होंने माना है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर न केवल कांग्रेस पर हुआ है बल्कि भारतीय राजनीति पर भी हुआ है। ये भारतीय राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण उन्होंने स्वीकारा है और हम इसका स्वागत करते हैं। इसके एक दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने कहा था कि यदि सभी दल एकजुट हो जाएं तो लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी 100 से कम सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। जल्दी से जल्दी फैसला हम जो जाके विभिन्न पार्टियों को भी हमने कहा कि भाई अलग अलग मत, तो उन लोग भी बात किया था, कुछ बातें नहीं हुई है। अब तो सब फिर बात करना चाह रहे हैं, तो कृपा करके कहेंगे कि कोई अगर आप लोग इस बार ये सोच लीजिएगा पूरे देश के हित में, तो आपको भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। जयराम रमेश इशारों इशारों में नीतीश कुमार को ये जवाब दे रहे थे कि कांग्रेस की केंद्रीय भूमिका होगी और वह विपक्षी एकता के लिए अपने हितों पर समझौता नहीं करेगी। कांग्रेस का ये कहना इसलिए भी अहम है कि नीतीश कुमार की मौजूदगी में ही उपमुख्यमंत्री और RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्षी एकता मजबूत करने के लिए कांग्रेस ड्राइविंग सीट यानी केंद्रीय भूमिका क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ दे। जयराम रमेश ने साफ कर दिया कि ऐसा नहीं होने जा रहा है, लेकिन उन्होंने ये साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय स्तर पर गठबंधन करती है और आगे भी कर सकती है, और हम अपनी भूमिका हम अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो बीजेपी के साथ कहीं भी समझौता नहीं किया है। कई विपक्ष की पार्टियां ऐसी आती हैं जो खड़गे जी के मीटिंग में बैठती हैं, पर जो उनका एक्शन होता है वो सत्ता पक्ष के पार्टी के पक्ष में होता है। तो हमारे दो चेहरे नहीं हैं बीजेपी के संबंध में, हमारा एक ही चेहरा है। हम बीजेपी के विपक्ष में हैं, हम चाहते हैं कि इस अडानी मामले पर JPC हो। कई पार्टियां हमारे साथ रहीं और कहीं नहीं, JPC की मांग उन्होंने स्वीकारा नहीं, उन्होंने कहा नहीं हमें सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी चाहिए। वो भी एक राजनीतिक कदम था ताकि
प्रधानमंत्री इससे बच जाए। तो हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है कि हमें नेतृत्व करना है, क्योंकि कोई भी विपक्ष की एकता कांग्रेस के बिना असफल होगा। कांग्रेस महाधिवेशन में लगभग 15,000 कार्यकर्ता और नेता भाग लेंगे। इसमें 1,825 AICC डेलीगेट्स होंगे, उनमें निर्वाचित और को ऑप्टेड सदस्य होंगे। इसके अलावा सभी राज्य प्रमुख, प्रभारी, जिला प्रमुख और दूसरे स्तरों के नेता होंगे। इस प्लेनरी सेशन में अलग अलग बैठक होंगी, जिनमें पार्टी को मजबूत करने की रणनीति, दूसरे दलों से समन्वय, नीति निर्धारण, अगले चुनाव की तैयारियों जैसे विषयों पर बहस होगी और कई प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इन प्रस्तावों को लागू किया जाएगा। 3 साल में होने वाली प्लेनरी सेशन की 85वीं बैठक 24 से 26 फरवरी तक होगी। अराउंड 15,000 डेलीगेट्स आई बीन इनवाइटेड फॉर दिस प्लेनरी सेशन। इलेक्टेड एंड कोऑप्टेड पीसीसी मेंबर्स फ्रॉम द स्टेट्स will be the delegates. Apart from them, all the DCC president of the Indian National Congress in this country will be special delegates. Bharat Yatris who walk from Kanyakumari to Kashmir and national office bearers of the frontal and departmental will also be the special invitees of this plenary session. That is why altogether it will come around 15,000 people who is going to participate in Raipur Chindan Shivar. इसके साथ ही सवाल ये भी उठता है कि उदयपुर में कांग्रेस चिंतन शिविर पिछले साल हुआ था, उसमें लिए गए निर्णयों का आखिर क्या हुआ और वे लागू किए जाने की किस स्थिति में है। उदयपुर में कांग्रेस चिंतन शिविर में लिए गए ज्यादातर फैसले कागजी साबित हुए, उन्हें लागू नहीं किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव और भारत जोड़ो यात्रा दो अहम फैसले थे जिन पर जयपुर बैठक में मुहर लगी थी और उन्हें पूरा कर लिया गया, लेकिन जो काम नहीं हुए उनकी लंबी सूची है। कांग्रेस में अब तक AICC और कार्य समिति यानी CWC के सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ है। कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव नहीं हुए हैं। कांग्रेस से जुड़े संगठनों की भी यही स्थिति है। मजदूर संगठन, छात्र संगठन, युवा संगठन और दूसरे तमाम संगठनों में प्रमुख का चयन आलाकमान करता है, जो अपनी मर्जी से किसी को उस पद पर मनोनीत कर देता है। इन पदों पर चुनाव नहीं होता है, जयपुर बैठक के बाद भी नहीं हुआ है। इसलिए रायपुर में होने वाले AICC प्लेनरी सेशन से ज्यादा अहम ये होगा कि उस बैठक में जो फैसले लिए जाएं उन्हें लागू भी किया जाए, और उसके पहले ये देखना होगा कि उदयपुर चिंतन शिविर में लिए गए निर्णयों को जमीन पर उतारा जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो प्लेनरी सेशन भी मिलने जुलने और तस्वीरें खिंचवाने का मौका बनकर रह जाएगा।